गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आताब, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। और मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ प्रीवियस पार्ट। उससे पहले प्लीज, तो कुछ प्रीवियस पार्ट ऐसा होता है जो हमारा स्टोरी है उसमें आपको, चलिए सुनाते हैं उसका प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में कॉलेज में सबके मुंह पे किसी का कहानी होता है, और हमारी जो जो होती हैं आशिका, वो सुनती हैं कि अरे भाई ऐसा कौन आ गया जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। तो वो जब सामने देखती हैं तो जिनकी बातें हो रही होती हैं वो और कोई नहीं, कंगना होती हैं। क्योंकि आज वो कंगना को देखती हैं तो कंगना काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही होती हैं और सारी तैयारियाँ करवा रही होती हैं। अब इधर जो होती है आशिका होती है, वो आ गई होती है कॉलेज, और उसको ऐसे देख के भाई मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी जो आशिका होती हैं वो जब कंगना को देखती हैं तो है उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना, उफ़ वाला, तो खैर वो उफ़ वाला एक्सप्रेशन तो नहीं देती हैं उनको, मगर जो होता है फिर दिल में आता है कि एक बार जाएं और उससे बात करें कि आखिर हुआ कि तुम नाराज़ क्यों हो। मगर फिर कहती हैं कि मैं क्यों पूछूं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं किया कि जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। मगर बार बार उनके चेहरे को वो देख रही होती हैं, उनको मतलब होता है ना कि एक खिंचाव महसूस हो रहा होता है, वो ना चाहते हुए भी वो उनकी तरफ खींची हुई चली जाती हैं। जब हमारी आशिका होती हैं वो कंगना के तरफ जा रही होती हैं तो उनको बीच बीच में कोई ना कोई उनको रोक ले रहा होता है, जैसे कि भाई उनके कुछ चंद कदम के फासलों में कई लोग रोरे डालने के लिए तैयार हो बैठे होते हैं। हमारी जो आशिका होती हैं अब ये सोच रही होती हैं कि ऐसा क्या करें तो जिससे इससे बात बन जाए। तो फिर उसको अचानक से याद आता है कि तान्या उसका रूम छोड़ के चली गई है। तो अब वो बोल सकती है, क्योंकि वो बोल रही थी कि जब वो हॉस्टल शिफ्ट होने के लिए, तो वो कहती है हाँ मिल गया। अब वो आशिका खुशी खुशी उसके पास जाती है, तब तक राहुल बीच में आ जाता है। तो राहुल आ जाता है बीच में तो कहता है कि शाश्वत बात हुई माँ से, तो कहती कि हाँ बात हो गई थी कल और सब कुछ ठीक है, तुमसे मैंने कुछ अरेंज करने के लिए बोलता हुआ अरेंज, तो कहता है कि हाँ हो गया है। तो आज तुम कॉलेज में क्यों, तो वो कहता है कि तुम भी तो हो और मुझे पता था कि तुम आज कॉलेज आओगी इसलिए मैं भी आ गया। तो बाकी लोग कहाँ हैं, तो कहती है बाकी लोग नहीं आए हैं, वो शाम तक आएंगे। तो कहती तुम भी जाओ शाम तक आना, तो कहती है कहता है कि नहीं मैं मेरे को यहीं रहना है, तुम जब जाना तो मुझे बता देना। तो कहती है कि ठीक है, और वो कहती है कि चलो मैं मिलती हूँ। मिलने की बात जब वो बोल के चला जाता है, और ये जो होता है कंगना की तरफ जो आशिका होती है वो जाने लगती है। कंगना जब आशिका के पास आशिका जब कंगना के पास पहुँचती हैं तो कंगना को बिजी देख के वो सोचती है कि वो बोले या ना बोले। फिर वो बोलती हैं कंगना, तो कहती है हाँ, वो पलटती है। जब वो देखती है कि आशिका है तो कहती है कि तुम, मतलब सॉरी आप, तो कहती है कि नहीं तुम भी कह सकती हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती कि नहीं आप सीनियर हो ना तो आपको आप ही बोलूँगी, बोलिए। तो कहती है कि तुमने बोला था ना तुम्हें हॉस्टल में जगह के लिए रूम खाली हो तो बताने के लिए, तो मेरी जो रूममेट थी वो आज ही गई है, खाली की है, तो क्या तुम, अगर तुम्हें रहना होगा तो तुम आ सकती हो। तो कहती है कि एक्चुअली अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है तो मैं हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहीं पे सही हूँ। तो फिर कहती है कि अच्छा, आशिका का मन जो होता है ना, जो दिल होता है वो छोटा सा हो जाता है, और फिर से वो एक बार फिर से कोशिश करती है, कहती कि कंगना, तो कहती है हाँ, तो तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, तो कहती कि नहीं क्यों मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी।
तो कहती कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि तुम ऐसे मुझसे बात नहीं करती थी। तो कहती हैं कि आपकी एक दिन की जान पहचान में आपने इतना अच्छे से जान लिया। तो कहती है हमारी आशिका की नहीं नहीं जान पहचान एक दिन की नहीं थी, ऐसा लगा ही नहीं कि एक दिन की हो, बट ठीक है तुम अगर नहीं कहती। क्योंकि आशिका जो होती है वो बहुत कम बोलती है, वो अपने तरफ से ट्राई करती है, उसका वो बेस्ट होता है कि वो ट्राई करती है कंगना से बात करने की। मगर कंगना जो होती है उसको अब उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मनीषा और इसके बीच कुछ ऐसा। अब वो वहाँ से जो होता है आशिका जो होती है और जो कंगना होती है वो दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस, वहाँ पे मिलती है प्रिंसिपल से और वो सारी चीज़ें बताती है। तो अब फेयरवेल होता है, फेयरवेल के बाद कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं। अब उसका ये फाइनल ईयर होता है और वो यहाँ से जाने वाली होती है। यहाँ पे जो आशिका होती है वो जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस से निकलती है तो कुछ लड़कियाँ उसे टकराती हैं और कहती हैं कि तुम्हें देख के नहीं चलना आता। आशिका को वो बोले जा रही होती है, आशिका बोलते सॉरी मैंने देखा नहीं, तो वो मान ही नहीं रही होती हैं। तो फिर आशिका जो होती है असली रूप में अपने यहाँ जाती है, वो उनके नज़दीक आके बोलती है बोला ना सॉरी, अगर प्यार से बोल रही हूँ तो मान लो वरना, समझ आया। वो बड़े मतलब होते हैं ना साइकेट्रिक वे में बोलती हैं, तो वो लोग थोड़े सा उनकी आँखों में घबराहट दिखने लगती है जब घूर के देखती है हमारी आशिका, क्योंकि वो ऑलरेडी कहना कि इस बिहेवियर से थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है और वो सॉरी बोलने के बाद भी वो उसको बार 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 इरिटेट कर रहे होते हैं। तो हमारी जो आशिका होती हैं अब वो वहाँ से निकल रही होती हैं और जब निकल रही होती हैं तो जो हमारी कंगना होती हैं बालों को जूड़ा लपेट के उसके बालों में पेंसिल लगाई रहती हैं और हाथ में एक नोट पैड रखा होता है और वो वहाँ पे बोल बोल के काम करवा रही होती है। उसको ऐसे काम करते हुए देख के आशिका का दिल थम सा जाता है और आशिका उसको बड़े गौर से देखने लगती है। उसके चेहरे पे एक अजब सी सुकून और स्माइल होती है कंगना को देख के, और फिर से उसकी नज़र पड़ती है कि कंगना को कोई और भी देख रहा होता है और वो विवेक होता है। जस्ट उससे नज़र हटती है तो जब विवेक को देखती है कि एक टक विवेक कंगना को घूर रहा है। जब वो कंगना को ऐसे घूर रहा होता है तो हमारी आशिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब अच्छा नहीं लगता तो वो कहती कि ये इसको क्यों घूर रहा, इसकी तो मैं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आशिका को। और वो वहाँ पे सॉरी जाने लगती है और जाके बोलती है विवेक से कि ये तू क्या कर रहा है। तो कहता है कि तुझे क्या लेना देना इससे, तू दूर रह ठीक है, और वैसे भी वो लड़की मुझे पसंद है और मैं उसको बेहद जल्दी प्रपोज करने वाला हूँ, तो तू कुछ कर लेगी क्या। तो कहती है कि अगर तू करना भी चाहेगा ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तो कहता है कि लगी शर्त, तो कहती है कि लगी, तो अगर तू हारा तो कभी तू उसकी तरफ देखेगा नहीं। तो कहता है कि अगर मैं जीता तो कहती है कि तू जो बोलेगा वो। कहता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड और कहता है कि देख मैं आज ही शाम को उसको प्रपोज मारता हूँ। विवेक जो होता है बड़ा ही कमीना टाइप का इंसान होता है, या यूँ कह लें कि उसको इस बात से फ़र्क नहीं होता है कि वो कंगना को प्रपोज करेगा, इस बात से उसको फ़र्क पड़ता है कि उसको जीतना है, वो बस जीतना चाहता है। इसलिए वो सारी तैयारी करने को बोलता है अपने पंटर लोगों को, मतलब उसके फ्रेंड लोगों को, और एक बुके और रिंग वगैरह मंगवाता है। और जो होता है कि थोड़ा सा रियल लगने के लिए कि ये फेक प्रपोजल नहीं है, वो थोड़ा सा रियल लगने के लिए सारी चीज़ें करता है। हमारी जो आशिका होती हैं कहीं ना कहीं उन्होंने आग में घी डालने का काम करती होता है एक टाइम पे, मगर ऐसे कैसे कंगना को कोई ले जा पाएगा।
कहती है बट तू उसके करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। और थोड़ा सा एक होता है ना कि घूरते हुए उसकी फेस पे एक मुस्कान होती है, वो भी बहुत ज़्यादा तीखी होती है। खैर वो स्वभाव से तो बड़ी शांत होती है, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कब चल रहा होता है, वो किसी को नहीं पता होता है। खैर यहाँ पे प्यार है, जुनून है, या बस पसंद, ये तो सुनते सुनते पता चल जाएगा। कंगना जो होती है वो अपना काम कराए जा रही होती है, ऑलमोस्ट उसके काम फिनिश हो चुके होते हैं और वो अब वहाँ से घर जाने वाली होती है। तो अमित आता है, अमित बोलता है कि कंगना, तो बोल वो बोलती है हाँ, तो क्या तुझे मैं आज भी छोड़ दूँ? तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल चल घर छोड़ दे, क्योंकि अब सारा काम हो गया है, तो अब थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो कहता है कि हाँ यार तेरे को सुबह से देखा मैंने लगते हुए। इधर जब फिर से अमित आता है तो हमारी आशिका का दिल जल जाता है, या यूँ कह ले कि छल्ली और हो उठता है। तो वो जब अमित के साथ जाने वाली होती है, तुरंत आशिका आ जाती है और आशिका बोलती है कि घर जा रही हो? तो कहते कि हाँ क्यों, क्या हुआ? तो कहते कि मैं छोड़ देती हूँ। तो कहते कि नहीं, मुझे अमित छोड़ रहा है, वो कल भी छोड़ा था, आज भी छोड़ देगा। तो कहते कि क्यों, मेरे छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि बड़े लोगों के मुंह नहीं लगती मैं। तो ये टोन काटते हुए कंगना वहाँ से चली जाती है। और ये बात जो होता है, हमारी जो आशिका होती है उनको बुरा लगता है। अब कहीं ना कहीं वो तलमला उठी होती हैं कंगना की ये इग्नोरेंस और उनको ऐसा डिसरिस्पेक्ट करते हुए, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। अब एक को चैलेंज किया, एक के साथ जा रही है, तो अभी कहती है ये दोनों इसके पीछे क्यों पड़े हैं, और मुझे इसके जाने से ना जाने से मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मैं क्यों इतना ज़्यादा सफाई देने पर तुली हुई हूँ। तो वहाँ पे वो जो हमारी कंगना होती है वो चली जाती है अमित के साथ, अमित तो उसको छोड़ देता है। और अब आशिका के दिल में आग लग चुकी होती है, अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर वहाँ से वो निकलती है, वो भी अपने हॉस्टल के लिए चली जाती है। इधर सब लोग जो होते हैं इकट्ठा होने के लिए तैयारी, अब कौन क्या पहनेगा क्या, इस चीज़ का होड़ मचा हुआ होता है। बॉयज़ वगैरह जो होते हैं ड्रेस कोड अपना फॉलो करते हैं, लड़कियाँ भी अपना ड्रेस कोड फॉलो करती हैं। जो सीनियर्स होते हैं वो आते हैं, और आने के बाद जो होता है काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है कि फेयरवेल है करके। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर बैच होता है वो आ चुका होता है कॉलेज में, और वो सारी तैयारियाँ, फूलों की थाली और इत्र, ये सब मतलब उनको जो जिस तरीके से स्पेशल फील कराया जा सके। तो जैसे ही वो एक लिस्ट बनाई होती है जो कंगना ने, कि जो भी थर्ड ईयर के बैच आएंगे वो सारे एक जगह होंगे और सेकेंड ईयर के बैच और फर्स्ट ईयर का बैच अलग होगा, तो उनको ये सबको एक जगह इकट्ठा करके रखना है और उनको स्टेप बाय स्टेप अंदर बुलाना है। मतलब लाइक कि ऐसे अलग अलग उस पर नहीं बुलाना है, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और वो जैसे हैं उनका जो नेचर है वो बताते हुए उनकी एंट्री कराना। तो जो हमारी कंगना होती है वो पहले ही सबको बता दी होती है कि क्या प्रोग्राम है, क्या चीज़ें हैं। तो वो सब लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को एक हॉल में बैठा चुकी होती हैं। वहाँ पे पीछे सारे थर्ड ईयर के बैच आ चुके होते हैं, और हमारी कंगना यहाँ पे सबको इंट्रो कराते हुए, अब वो थर्ड ईयर बैच के एक एक करके सबको बुलाना, फिर राहुल को बुलाना, फिर राजेश को बुलाना, फिर अनुराग को, फिर रोहन को, पुनीत को, ऐसे करके सबको बुलाती चली जाती है। लास्ट में जो होता है, सबसे लास्ट में वो रखती है आशिका को। अब वो क्यों रखती है आशिका सबसे लास्ट में? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो वो फर्स्ट रो में ही आना चाहिए, तो वो उसको लास्ट में बुलाती है। तो वो उसके बारे में बोलती है कि आँखों से गुस्सेल, शब्दों से शांत,
और ज़िंदगी में सबसे गहरी वो है आशिका। और ऐसे बोलते हुए उनकी एंट्री होती है, तो वो बोलते कि तालियों की गड़गड़ाहट इतनी उठती है कि उस शोर में कुछ सुनाई ही नहीं देता है। सारे इंतजाम जो होते हैं काफ़ी अच्छा कंगना ने करवाया होता है और उन्होंने अरेंज करवाया होता है। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस और मनोरंजन के कुछ गेम्स साधन जो होते हैं कि वो करवाया होता है सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो थोड़ा मतलब होता है ना कि एक अलग वे में सारी चीज़ों को कि दम सराज होता है, तो टीम होती है और उसमें जो होता है कि एक कंपटीशन टाइप्स होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब खाने पीने की चीज़ें देखने लगते हैं। तो खाने पीने के बाद मतलब खाने पीने की चीज़ें देखने के बाद इन लोगों का कुछ लोग खा रहे होते हैं, कुछ लोग जो डीजे वाला रहता है, जो सीनियर्स टीचर्स होते हैं, वो खा पी के चले जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो फिर कंगना अनाउंस करती है कि अब ये जो स्टूडेंट पार्टी है, ये फेयरवेल है, तो थोड़ा सा उसके जैसा टचअप देने के लिए हम अब हमारे सीनियर्स को इनवाइट करेंगे कि वो आके फ्लोर पे चार चांद लगाएं और डांस करें। तो वो गाना बजाते हैं और गाना बजाने के बाद सब लोग डांस करने लगते हैं, कुछ खा रहे होते, कुछ लोग देख रहे होते, कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं, ऐसी सीन्स चल रहे होते हैं। तो तब तक कंगना को वॉशरूम जाना होता है, वो माइक रखती है, वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। तो आशिका ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को देख के गुस्सा हो चुकी होती है और वो इतना लाल हो चुकी होती है कि अब बस कंगना मिल जाए, अब उसकी खैर नहीं। अब आती है और जो कंगना होती है, कंगना को जाते हुए जो हमारी आशिका होती हैं वो देखती हैं, वो पीछे पीछे आती हैं वॉशरूम में। और जैसे वॉशरूम में हमारी जो कंगना होती हैं वो एंटर करती हैं, आशिका उस वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती हैं। लॉक करने के बाद वो आशिका जो होती हैं जब टर्न होती हैं तो कहती हैं ये क्या है, तो कहती हैं कि तुम क्या कर रही हो कंगना। तो कहती हैं कि आप इस तरीके से दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट तुम मेरी क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो कहती हैं मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। तो कहती हैं कि मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। हाँ वट यू मीन कि मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ, वो उसकी तरफ गुस्से से बड़े जा रही होती हैं और कहती है कि देखो आशिका आप दूर रहो और आप ऐसे बात मुझसे मत करो। तो कहती है कि कैसे बात करूँ मैं तुमसे। तो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप आपको जो भी बात करनी है हम बाहर चल के बात करेंगे। तो कहती है कि नहीं मुझे यहीं बात करनी है। हाँ तुम मुझे सुबह से इग्नोर किए जा रही हो, मैं यही देखे जा रही हूँ, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ इग्नोर किए जा रही हो, और तुम समझ क्या रही हो खुद को। हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हाँ मतलब इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई लड़की ही नहीं होगी, तुम्हें किस बात का गुरूर है कंगना। तो कहती है कि मुझे गुरूर किस बात का होगा, मुझे कोई गुरूर नहीं है, आपको ये गलत लगता है। तो कहती है कि मुझे गलत लगता है, ओ सुबह से मैं देखे जा रही हूँ, कभी विवेक कभी अमित कभी कुछ चल क्या रहा है, हाँ तुम इन सब के साथ कर क्या रही हो। तो कहती कि क्या बोल रही हैं आप और कुछ भी क्यों बोल रही हैं, जो भी बात करिए थोड़ा ढंग से करिए आप मुझसे। तो कहती कि अच्छा तुम्हें इतनी भी नादान नहीं हो, आशिका बोलती है कि इतनी भी नादान नहीं हो कि तुम्हें समझ ना आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहती कि हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, उसने तो मुझे बस घर तक लिफ्ट दिया था और उसने अगर मुझे छोड़ दिया घर तक तो उसमें क्या ही बुरा क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई आपको, कुछ उसमें दिक्कत हो गई है। तो कहती कि दिक्कत दिक्कत ही तो है, मैं तुम्हें से सुबह से पूछे जा रही हूँ कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है, तुम उससे नाराज़ हो, तुम्हें तो वो जवाब देना नहीं है, तुम्हें तो भाई अमित के साथ घूमना है, अभी कुछ देर में आता होगा विवेक प्रपोज करने, एक्सेप्ट कर लेना ठीक है। तो कहती कि आप मत मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे वो बोल रही होती है जो हमारी आशिका होती हैं वो उतना ही करीब आके खड़ी होती हैं और वो कंगना के सामने जस्ट
थोड़ी सी ही, मतलब होता है ना कि थोड़े से ही फासले की दूरी होती है, और कहती है कि हाँ तुमको सुबह से मैं देख रही हूँ, हाँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कहती है मैं और इग्नोर क्यों करूँगी भला, हाँ और वैसे भी हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो कहती कि अच्छा लाइक सीरियसली? तो कहती है कि हाँ सीरियसली। तो कहते कि कोई रास्ता नहीं है? तो कहते कि नहीं कोई रास्ता नहीं है। और जैसे ही ये बोल रही होती है आशिका कि कोई रास्ता नहीं है, और वो कंगना के शोल्डर से उसको अपनी तरफ खींचती और कहती कि कोई रास्ता नहीं है, और इतना ज़्यादा गुस्से में कंगना देखती है आशिका को, तो वो उसकी सट्टी पट्टी गुल हो जाती है। इतना ज़्यादा गुस्सा, आँखों में खून उतर आना इस तरीके से कि अब समझ ना आ रहा होता कि वो वहाँ पे क्या करे क्या ना कहे, कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है वो। उसको ऐसा लगता है कि अभी क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो जो हमारी कंगना होती है वो कहती है कि रिलैक्स, हुआ क्या है आखिर, बात क्या है, खुद तो बताओ। तो कहती कि क्या बात है ये तुम बताओगी? हाँ तो कहती है अच्छा मैं बताऊँगी, ऐसा तो क्या कर रही थी आप मनीषा के साथ वॉशरूम में? जब ये बात बोलती है तो आशिका के होश उड़ जाते हैं। तो जब आशिका के होश उड़ते हैं तो कहती है क्या? तो कहती है हाँ उस दिन मैंने आपको लाइब्रेरी में देखा था मनीषा के साथ, और मैंने आपको कल वॉशरूम में देखा था। हाँ चल क्या रहा है, आप बताओ क्या चल रहा है, मुझसे क्यों पूछ रही हो कि क्या चल रहा है? जब आपको खुद नहीं पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो कि क्या चल रहा है? और कुछ भी चले उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो कहते कि फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता मगर मुझे पड़ता है। तो कहते कि किसने कहा कि मुझे नहीं पड़ता है? हाँ आपने अपने मन से ही सोच लिया कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो काइंड इन्फॉर्मेशन पड़ता है। तो देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है इन दोनों के बीच। तो बाय बाय, टेक केयर।